सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डी न्यूज़ पंजाब ते मैं तुहाडा दोस्त दरबार जख्मी दा। दोस्तों जिहड़ी हैगी है फरवरी दी जिहड़ा महीना चल रहा ते किन्नू दी रुत्त है, हर चीज़ दे बारे जानकारी जरूरी हुंदी आ। अज असीं बाई होरां कोल पहुंचे आ, इहनां दा काम है जिहड़ा किन्नू है संतरा है इहनां नूं अगे स्टोर करदे ने, अगे वेचदे ने। गल्लबात करांगे इहनां नाल किन्ना कि इस काम 'च मुनाफा है, इस वार किन्नी कि वधिया फसल होई है, किन्नू ते संतरे 'च की फर्क हुंदा है। भाई हिंदी बोलते ने, गलबात करांगे। भाई साहब स्वागत है आपका, कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? देखो जी, हमारा जिला फिरोजाबाद जी और तहसील सुकाबाद। ओके। गांव सिद्दकापुरा पड़ता है। ओके। हम लगभग यहाँ 15 साल से भाग ले रहे हैं रेगुलर। बिल्कुल। और अब की बार फसल लगभग 40% आई है। 40% आई है मतलब ये इसको प्लीज आप सुन लीजिए, 40% है क्या? 40% ज्यादा हुई है या कम हुई है? पहले से कम हुई है। पिछले साल से कम है। ओके। लेकिन सौदे भी महंगे हुए हैं। हाँ। जो पहले सौदे होते थे लगभग मान के चलो 12-13 ओके और 10 रुपए के भी होते थे, और इससे पहले मंदे में 7 के भी होते थे। अच्छा, 7 रुपए किलो? हाँ, होते थे। आम भी जब हम निकलते थे तो रेडियां जो लगी होती थी ना उन पे लिखा होता था कि 100 रुपए के 5 किलो। हाँ जी, 20 रुपए किलो भी बिकते थे नॉर्मल। हाँ, उस टाइम मान के चलो 7 से लेकर 9-10 रुपए तक के सौदे होते। ओके ओके ओके। अब की बार लगभग मान के चलो 22 रुपए से लेकर के सौदे 27 रुपए तक हुए है। ओके। तो आगे जो रिटेल में बिकता है वो कितने का बिकता है? 50 रुपए के करीब मेरे हिसाब से। नहीं, इतना नहीं है, लेकिन बाजार 30 रुपए से ले 30 रुपए तक किन्नू आज तक बिका है, 32 भी बिका है। ओके। मोटा माल। ओके। लेकिन उससे नीचे और भी क्वालिटियां बनती हैं। अच्छा, जो संतरा और किन्नू में क्या फर्क होता है? देखो जी, संतरा में दम होती है। ओके। वो लोग स्टोर में भी रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस किन्नू में कोई इतनी दम नहीं है कि बोरसिंग वाला माल है, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की गुंजाइश है। 8 दिन तक चल सकता है, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। जो एक वैक्सिंग मशीनें लगी हुई हैं उधर बोर में, यहाँ तो नहीं है जी जी, उसमें धुलाई करके माल वैक्सिंग करके डिब्बों में पैक करते हैं। ओके। तो वो कहाँ तक जाता है फिर? वो लगभग माल पूरे भारत के अंदर ही चलता है, लेकिन उसमें 1 महीने की गुंजाइश होती है। ओके। हाँ जी। तो रेट जहाँ तो वैसे सस्ता होता है, क्योंकि पंजाब में होता है किन्नू और संतरा, जैसे महाराष्ट्र हो गया या और जब स्टेटों में जाता है तो वहां तक कितने रेट तक पहुंच सकता है ये? देखो जी, उसमें मैं बताऊंगा आपको, इंडिया के कोने कोने भेज दो माल को, ठीक है, लेकिन रेट आपको जो मिलना बठिंडे वाला, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो खर्चा पड़ गया, मैं बताऊंगा। वही तो चक्कर पड़ रहा है, जितनी दूर बाट गाड़ियां जाएंगी जितना महंगा उसका किराया होता है। अब हम मान के चलो यहाँ बठिंडे माल डालेंगे, माल तो इधर थोड़ा लगेगा। हाँ। मान के चलो जहाँ उधर क्रेट पूरा ट्रक बिकता है, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, अपने देहरादून, बंगलोर, छत्तीसगढ़, ठीक है, और भी काफी मंडियां हैं, जैसे दूर के लिए लोड करेंगे तो जैसे खर्चा भी बढ़ जाता है। हाँ, तो वो खर्चा निकलता कैसे है अगर रेट महंगा बिकता है उधर पे? हाँ, वही तो बहरा हूँ, कितना महंगा तक चला जाता है? लगभग मान के चलो लखनऊ कानपुर 40 रुपए का, 42 रुपए का, 45 रुपए का बाजार है। ओके। जैसे कि जो सेब है, सेब के बारे में होता है, सॉरी, कश्मीर से आता है जब वो, तो उसका रेट जहाँ पे आके 200-300 तक भी चला जाता है, आपका माल 250-300 तक चलता है। हाँ जी। वैसे ही इसका भी होता है। हाँ, बढ़ जाता है ना। हाँ, ऐसे रेट बढ़ेगा आगे चलते बढ़ेगा। हाँ जी। तो ये तो फायदा है ना कि अगर पंजाब का किसान बाहर फसल को बेचेगा तो फायदा तो है इसको। हाँ, जिसकी पहुँच हो, लेकिन अनजान बंदे का काम नहीं है। अनजान बंदे का काम नहीं है, इसीलिए शायद आप लोगों को वो हायर करते हैं, ये ठेके पे दे देते हैं बाग पूरा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हम लोग 8 लोगों से जुड़े हुए हैं। ओके। और हम लोग जब हमारा हर साल का काम है, बिल्कुल, तो तरीका भी है। हाँ, तरीका भी है, प्लस माल हमारा 38 लोग हिसाब से बेचेंगे, और जमींदार का आप जानते ही हो। हाँ, एक दिन का काम है। हाँ, नहीं वैसे चलो, कभी अच्छा और बुरा समय तो आता रहता है। हाँ, आता है जी सर, भी आता है, घाटा भी पड़ जाता है जी सर। मेरे को लगभग आज से मान के चलो 7-8 साल पहले की बात है। ओके। तो करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। ओके।
लेकिन जब काम करते रहते हैं होड़ होले करके, बिजनेस में तो घाटा भी चलता है, आता पूरा रहता हो गया है। ओके चलिए, अच्छा लगा आपसे। और कुछ बताना चाहेंगे लोगों को इसके बारे में, जैसे किन्नू और संतरा, इसके बारे में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए या ये वो? देखो जी, ये तो अलग अलग अपना खान पीन का हिसाब किताब है। किसी के किन्नू के चाय, कोई संतरा खाता है, कोई और भी मीठा। कौन सा होता है ज्यादा? संतरा होता है। हाँ, संतरा मीठा, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन जूस इसमें ज्यादा निकलता है। जूस किन्नू का ही बिकता है? हाँ, किन्नू का जूस ज्यादा निकलता है, संतरे में जूस कम। मतलब कि जो किन्नू होता है वो जूस के लिए बना होता है और संतरा खाने के लिए बना होता है, ये कह सकते हैं? नहीं, खा तो दोनों ही सकते हो, दोनों का जूस बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा निकलता है, किन्नू में ज्यादा निकलता है। हाँ जी। ऐसे पंजाब में ज्यादा कौन क्या चीज होती है? किन्नू होता है, संतरा होता है? पंजाब में देखो जी, किन्नू ज्यादा होता है। किन्नू ज्यादा? माल्टा भी होता है, किन्नू भी होता है, ये संतरा तो उधर से आता है, क्या नाम अपना, हैदराबाद उधर। ओके, पंजाब में होता नहीं संतरा के? होता नहीं, है? मैंने तो देखा नहीं सर। ठीक है, आप 15 साल से अगर काम कर रहे हो तो नहीं देखा तो फिर शायद नहीं होता होगा। नहीं नहीं, कोई कोई मैंने किसी बाग में कोई कोई पेड़ मिलता है, लेकिन खाने में स्वादिष्ट नहीं था। अच्छा, कोई कोई पेड़, जैसे ये पेड़ है, इसमें कोई कोई पेड़ होता है संतरे का? हाँ, मिल जाता है, किसी बागीचे में घूमने जाते हैं, बाग के पास है, जैसे और भी बागीचे हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं बनती। हाँ, बाग तो हमने अभी भी मान के चलो, यहाँ भी बल्लूबाने में लिए, बुर्जमान साहब भी लिए, तो कई कई मिल जाते हैं घूमते फिरते कोई पेड़, लेकिन खाया है वो उतना स्वादिष्ट नहीं। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा भाई साहब आपसे बात करके, सभी भाइयों से मिलकर अच्छा लगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाया जा सके, ताकि जो भाई साहब ने जानकारी दी है और या जो किसान भाई है वो ये जानकारी को जान सके कि क्या होता है, कैसे होता है और कैसे इसका रेट अगर आप दूर जाके बेचेंगे तो ज्यादा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।